और बलूचिस्तान में हमेशा गैर जमहूरी ताकतों का कब्जा रहा, ये कहना है अमीर जमात इस्लामी सिराज उल हक का। कहते हैं सूबे की भाग दौड़ संभालने वालों ने हमेशा करप्शन की, आवाम को पसमानदा रखा। बलूचिस्तान में करप्शन और पसमानदगी सबसे ज्यादा है। बलूचिस्तान की आवाम इस दफा जमात इस्लामी को वोट दें, सिराज उल हक की जानिब से ये कहा गया। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, अमीर जमात इस्लामी सिराज उल हक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उनका कहना था कि बलूचिस्तान में हमेशा गैर जमहूरी ताकतों का कब्जा रहा है, सूबे की भाग दौड़ संभालने वालों ने हमेशा करप्शन की और आवाम को पसमानदा रखा। बलूचिस्तान में करप्शन और पसमानदगी सबसे ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान की आवाम इस दफ़ा जमात इस्लामी को वोट दें ताकि करप्शन और पसमानदगी को ख़त्म किया जा सके। हसन रिंद नुमाइंदा कैपिटल टीवी हमारे साथ हैं, मज़ीद तफसीलात के लिए उनके जाने बढ़ेंगे। हसन रिंद बताइएगा, मज़ीद क्या कहना था सिराज उल हक का? जी, जमात इस्लामी के सरबरा सेनेटर सिराज उल हक कब सालाना तकरीब बुखारी शरीफ के लिए पहुंचे तो उनका शानदार इस्तकबाल किया। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बलूचिस्तान में हमेशा गैर जमहूरी कुव्वतों का कब्जा है, सूबे की बागडोर संभालने वालों ने हमेशा करप्शन किए, आवाम को हमेशा पसमानदा रखा है। उन्होंने ये भी कहा कि बलूचिस्तान पसमानदगी से तमाम सूबों से ज्यादा है। इन्होंने कहा कि इस दफा बलूचिस्तान की आवाम जमात इस्लामी की ओर से। इन्होंने ये भी कहा जो सेनेटर पैसे देकर मुंतखब होते हैं वो आवाम की क्या खिदमत करेंगे। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे, हमारे नुमाइंदे। आपको बताएं सिराज उल हक की जानिब से कहा गया है कि बलूचिस्तान में हमेशा गैर जमहूरी ताकतों का कब्जा रहा है। गुफ्तगू करते हुए उनका मजीद कहना था कि सूबे की भागदौड़ संभालने वालों ने हमेशा करप्शन की।